से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सबके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांतिः, अंतरिक्षः शांतिः, पृथ्वीः शांतिः, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है।